योगी क्रांति धरा की धरती से सभी का अभिवादन करता हूं। यह सभी के लिए गर्वान्वित पल है जब भारत माता के महान सपूत कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। धन सिंह कोतवाल के यज्ञ कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। धन सिंह गुर्जर कोतवाल ने देश के लिए खुद को कुर्बान किया है। यहाँ का अवगढ़नाथ मंदिर 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। वहां झांसी में लक्ष्मीबाई हुंकार भर रही थी। कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जिसने 1857 की क्रांति में अपना योगदान न दिया हो। सन 1947 में भले ही हमने जन्म नहीं लिया होगा, लेकिन आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज पूरे देश में हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। गुलामी को समाप्त करना है। पुलिस ट्रेनिंग क्षमता को 3 गुना बढ़ाया गया है। आज साइबर क्राइम के थाने हर जगह स्थापित हो रहे हैं। पुलिस की क्षमता विस्तार को बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर अनेक कदम उठाए गए हैं। यह गर्व की बात है कि आज पुलिस कर्मियों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति बोले, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मेरा यह औपचारिक रूप से पहला आगमन है। यह आगमन जीवन में हमेशा यादगार रहेगा। धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा का अनावरण करूं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सोचा नहीं था वह अब मुमकिन हो रहा है। कोतवाल का कार्य क्षेत्र बहुत लंबा था। धन सिंह गुर्जर कोतवाल ने महान काम किया था। मेरे मन में एक नाराजगी है कि हम शहीदों को क्यों भूल गए। उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास में इनका जिक्र सही ढंग से क्यों नहीं किया गया। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। करोड़ों रुपए से एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बन रहा है। उन्होंने कहा कि जो सोचा नहीं था वह आज आंखों के सामने पूरा हो रहा है। आज जो सुनने को मिल रहा है वह मन को प्रसन्न करता है। उन्होंने कहा कि आज विकास की गंगा इसी राज्य में बह रही है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश है। जब हालात दूसरे थे, पुलिस कर्मियों को डराया जाता था, लेकिन आज हालात अलग है। पुलिस कर्मी सही तरीके से काम कर रहे हैं। सदन में अपने मन की बात खोल कर रखें। मैं मेरठ से पॉजिटिव लेकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश में रहा है वह बहुत गौरवशाली है। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा।